मोदी ने हमेशा रोके दिल्ली के काम, सीसीटीवी कैमरे की फाइल ऐसे थी दबाई। देश की सत्ता पर बैठा मोदी दिल्ली और दिल्ली वालों से इतनी नफरत करता है कि दिल्ली में केजरीवाल से हार का बदला उसने हर बार दिल्ली की जनता से लिया, और दिल्ली के सातों सांसद जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली की आवाज उठाने की थी वो मोदी की चापलूसी में अंधे रहे। मोदी दिल्ली के काम रोकता है और ये मिठाइयां बांटते हैं। आपको याद होगा कि जब 2018 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, तब ऐन मौके पर एलजी ने बीजेपी के इशारे पर एक कमेटी बना दी और इसे रोकने की जबरदस्त कोशिश की, क्योंकि बीजेपी वालों को डर था कि 2019 के लोकसभा चुनावों में वो शराब और पैसा नहीं बांट पाएंगे। इन्हें दिल्ली की माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि कैमरे लगने से दिल्ली की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, बल्कि इन्हें सिर्फ केजरीवाल को रोकना था ताकि ये चिल्ला चिल्ला कर कह सकें कि देखो केजरीवाल अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर एलजी के घर पर गए और धरने पर बैठ गए और आखिरकार दिल्ली वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए फाइल पास करवा कर लाए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया, और इसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। आज दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा कैमरे लगे हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो से भी ज्यादा कैमरे दिल्ली में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी नेटवर्क दिल्ली में है, जिससे दिल्ली की माताओं बहनों की और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। लेकिन ये बात मोदी को हजम नहीं हुई और वो संसद में अध्यादेश ले आया और दिल्ली वालों के हाथ से ताकत छीन कर एलजी को दे दी। ये है चिल्ला चिल्ला कर नारी शक्ति की बात कहने वाले महिला विरोधी मोदी की असल सच्चाई। गला फाड़कर भाषण देने से नारी शक्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि उन्हें सुरक्षित माहौल देने से उनका सम्मान होता है। ये बात इन भाजपा वालों के डीएनए में नहीं है, क्योंकि जब महिला विरोधी मोदी एंड कंपनी इस स्कीम को रोक रहे थे तब दिल्ली के सातों सांसद तालियां पीट रहे थे, खुश हो रहे थे। सिर्फ सीसीटीवी का मामला ही नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात बस मार्शलों को हटाना, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना, ऐसे हर उस काम को बीजेपी ने रोका जो दिल्ली को सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल कर रहे थे। इसीलिए दिल्ली वालों, इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सातों सांसद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के ही चुनना, जो न सिर्फ दिल्ली की आवाज संसद में उठाएंगे बल्कि दिल्ली के लिए एक सुरक्षा कवच भी बनाएंगे, जिससे केजरीवाल के हाथ और भी मजबूत होंगे और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो दिल्ली के काम रोक पाए। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और भी खुशहाल।